गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में आज स्टडी की जाएगी। आज ये जो वीडियो है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मेन जो बेस होता है उस पर बेस्ड है। सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से इसको देखें। हालांकि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, फिर भी आपसे कोई मिस्टेक ना हो या कुछ बच्चे अभी ना समझ पाए हों, इस वजह से आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बिल्कुल ही स्टार्ट से आपको बताई जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए हम शुरू करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। तो सबसे पहले आता है डायरेक्ट स्पीच। इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। इसको बोलते हैं हम अप्रत्यक्ष कथन। तो डायरेक्ट स्पीच जिसको प्रत्यक्ष कथन बोलते हैं, जो हम लोग आपस में कन्वर्सेशन वार्तालाप करते हैं जब दो व्यक्ति होते हैं तब प्रत्यक्ष कथन, तो हम डायरेक्ट बात करते हैं। और एक बात की जाती है इनडायरेक्ट स्पीच, जो हम तीसरे की बात का वर्णन करते हैं कि जैसे राम और मोहन आपस में बात कर रहे हैं कि राम कहता मोहन से मैं कानपुर जाऊँगा, ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। लेकिन राम मोहन और श्याम आ जाए तीसरा, तो राम और मोहन, ठीक है, आपस में बातें कर रहे हैं कि श्याम कल कानपुर जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा अप्रत्यक्ष कथन। जब किसी के बारे में हम क्या करते हैं, कोई बात करते हैं, थर्ड पर्सन आ जाता है, तब हमारा क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमारी क्या होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरी रिपोर्टिंग स्पीच, या इसको रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टेड पार्ट जो भी बोलते हैं। तो एक वाक्य लिख लेते हैं कि राम सेड, राम सेड मोहन विल गो टू दिल्ली। ये हमारा एक वाक्य हो गया। तो इस वाक्य में देखिए दो चीजें आपको दिखाई दे रहे हैं, एक कामा के बाहर का भाग और एक इन्वर्टेड कामास के अंदर का भाग। तो जो बाहर का भाग होता है, जो हमारा बाहर का भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारा जो पार्ट होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और दूसरा पार्ट जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच, या इसको रिपोर्टेड पार्ट भी बोलते हैं।
रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट या जो भी, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, तो रिपोर्टिंग वर्ब जिसमें सेड, जिसमें सेड लगा हो वो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कामास के अंदर वाला भाग हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, या मॉडर्न इंग्लिश में इसको रिपोर्टेड पार्ट भी बोला जाता है। तो हमारा जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का जो क्रम है उसमें रिपोर्टिंग स्पीच में ही परिवर्तन किया जाता है। रिपोर्टेड पार्ट का जो रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन जो होता है वो कम होता है, मेन परिवर्तन जो मेन चेंजेस होते हैं हमारे वो रिपोर्टिंग स्पीच में ही किए जाते हैं। तो आज हम सबसे जो जनरल रूल्स होते हैं कि किन दशाओं में हमारे, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वाक्य को कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। किन दशाओं में ऐसा होता है कि जब हम रिपोर्टिंग, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वाक्य को क्या करते हैं, ज्यों का त्यों जोड़ दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी दशाएं हैं या कौन कौन से रूल्स हैं। सभी स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखें, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बेस है, यही से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा भी होगा। तो आइए देखते हैं क्या रूल्स होते हैं। रूल्स देखते हैं, यदि रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है, कंडीशन क्या आ गई कि यदि हमारे वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में दी गई हो तो जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बल्कि एक उचित कंजक्शन या कनेक्टर लगाकर वाक्य को ज्यों का त्यों जैसा लिखा है वैसा ही जोड़ देते हैं। लेकिन कब, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है। तो एक वाक्य लिख देते हैं, मोहन हैड गॉन, मोहन हैड गॉन। तो राम, अब देखिए ये सेज दिया है, यस या यस किस में आता है, प्रेजेंट में ही तो किसी वाक्य में लगाते हैं हम,
तो जहां पर सेज दिया हो, ठीक है, कब, रिपोर्टिंग वर्ब में। ये हमारी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये वाक्य क्या बन जाएगा, राम सेज दैट, एक उचित कनेक्टर लगाकर वाक्य को जोड़ा जाता है। राम सेज दैट मोहन हैड गॉन, ठीक है, ये वाक्य हो गया हमारा। एक और वाक्य देखते हैं, वाक्य नंबर, सभी बच्चे नोट डाउन भी करते रहे इन चीजों को, जो भी आपको इम्पॉर्टेंट चीजें मिल रही हैं उनको अपना कॉपी पेन लेकर नोट डाउन करें और अपने अच्छे से नोट्स तैयार करें, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो सभी कक्षाओं में 10 से लेकर 12 तक लगातार पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं वाक्य कि सीता विल से, सीता विल से कामा इन्वर्टेड कामा शीला, शीला इज गोइंग टू मार्केट, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देते हैं। अब देखते हैं सीता विल से, विल आ गया, विल या शैल किसमें आता है, फ्यूचर टेंस में आता है। तो जब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हमारी क्या हो, रिपोर्टिंग वर्ब हो, तो टेंस में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात इस वाक्य में भी हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सीता विल से, सीता विल से, सीता विल से दैट, सीता विल से दैट क्या हो जाएगा, शीला, ज्यों का त्यों जोड़ देंगे, कोई परिवर्तन नहीं, शीला इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो पोर्शन है उसमें जो कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिनमें हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ये एक रूल्स था, एक रूल ये हो गया। अब रूल नंबर टू देखते हैं कि उस दशा में भी हमारा जो वाक्य है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बात और नोट डाउन कर ले कि अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो सेज को टेंस में बदल देते हैं, यदि ऑब्जेक्ट दिया है तो सेज को किसमें बदल देते हैं, टेंस में बदल दिया जाता है, ठीक है। अगर वाक्य दे दिया जाए कि राम सेज टू मोहन, टू मोहन कामा इन्वर्टेड कामा रवि इज प्लेइंग, रवि इज प्लेइंग, रवि इज प्लेइंग इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट दे दिया गया, सेड या सेज जो भी उसके बाद हमारा पर्सन दिया होता, जो भी कर्ता दिया होता उसे हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो राम हो जाएगा क्या, टेल्स, और ये टू हटा देते हैं, पूरा सेज टू को किसमें बदल देते हैं, टेल्स में। तो राम टेल्स मोहन दैट रवि इज प्लेइंग, रवि इज प्लेइंग। तो इस तरीके से
ये पहला रूल आपने पढ़ा कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, बल्कि दैट लगाकर एक उचित कनेक्टर लगाकर वाक्य को ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं। आइए देखते अन्य कुछ स्थितियां भी हैं उसमें भी ऐसा होता है कि हम वाक्य को ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं। इस रूल्स को बड़े ही ध्यान से देखें, स्टूडेंट्स ज्यादातर इसी में गलती करते हैं, वो टेंस में परिवर्तन कर देते हैं और हमारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखें, बेसिक चीजें आज बता रहा हूं। ठीक है, अभी तक रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किसमें थी, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में। अब यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भी है, पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में हो, पास्ट टेंस में हो और निम्नलिखित स्थितियां हो, निम्नलिखित स्थितियां हो, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौम सत्य, ठीक है, कोई आदत दी गई हो, हैबिट, ठीक है, कोई ऐतिहासिक घटना हो, ऐतिहासिक घटना मीन्स क्या होता है, हिस्टोरिकल मूमेंट, ठीक है, मोमेंट, कोई ऐतिहासिक घटना, हिस्टोरिकल मोमेंट, इंसिडेंट, कुछ भी कह लें, और या कोई कहावत, आपने यहाँ इंडिया में कहावत बहुत बोली जाती है, ठीक है, कोई कहावत जिसको कहते हैं प्रोवर्ब, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोवर्ब, ठीक है, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और निम्नलिखित दशाएं या स्थितियां या कंडीशन हो, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, आदत, हैबिचुअल एक्शन, ऐतिहासिक घटना, हिस्टोरिकल मोमेंट या कोई कहावत, प्रोवर्ब, तब भी इनडायरेक्ट बनाते समय, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है,
कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। देखिए एग्जांपल्स देखते हैं हम, तो सबसे पहले क्या आता है, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो क्या लिख दे, द टीचर सेड, द टीचर सेड, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये बात हमारी किसके अंतर्गत आती है, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ वो ट्रुथ सत्य है जिसको हम जानते हैं, आप जानते हैं, और विज्ञान साइंस ने भी क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है, वो हमारा होता है क्या, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, और साइंटिफिकली प्रूव किया जा चुका है, ये बात साइंस ने प्रूव की है कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो अगर इस तरीके से यूनिवर्सल ट्रुथ कोई दिया हो, तब भी हम क्या करेंगे, वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बल्कि दैट लगाकर वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देंगे, द टीचर सेड दैट, ठीक है, दैट लगा देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं, द अर्थ मूव्स मूव्स राउंड द सन, ये तो हो गया यूनिवर्सल ट्रुथ। अब कोई आदत, हैबिचुअल एक्शन, वाक्य दे दे, मीना सेड डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, ठीक है। इस तरीके से वाक्य अगर आपका दिया है, तो ये हमारा क्या होगा, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, की कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ये क्या है, कुत्तों की आदत है, हैबिट है। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ गया, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, आदतन किया गया कार्य। तो इस तरीके के वाक्य में भी हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मीना सेड दैट, मीना सेड दैट डॉग्स बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। अब हमारा तीसरा नंबर क्या आता है, हिस्टोरिकल मोमेंट। हिस्टोरिकल मोमेंट, कोई ऐतिहासिक घटना दी गई हो, जैसे एक वाक्य लिख दे, माई फादर सेड, माई फादर सेड, माई फादर सेड गांधी जी, गांधी जी डाइड, गांधी जी डाइड ऑन 1948,
गांधी जी डाइड ऑन 1948 कि गांधी जी जो थे वो किस में मरे थे, 1948 में मरे थे। ये वाक्य हमारी क्या है, यूनिवर्सल हिस्टोरिकल मोमेंट है। ऐतिहासिक इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि ये गांधी जी 1948 में मर गए थे। तो इस वाक्य को भी क्या कर देंगे, माई फादर सेड दैट गांधी जी डाइड ऑन 1948। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, हिस्टोरिकल मूवमेंट। ये क्या हो गया, हिस्टोरिकल मोमेंट हो गया। अब आपका नंबर आता है एक और सबसे लास्ट, ये प्रोवर्ब। व्हाट इज प्रोवर्ब, प्रोवर्ब कहावत। इंडिया में क्या होता है, हर बात कहावत में कही जाती है कि कह देते भैंस के आगे बीन बजाना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तरह तरह की प्रोवर्ब्स आती हैं। तो इन प्रोवर्ब्स, अगर ये प्रोवर्ब दी गई हो, ठीक है, तब भी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई परिवर्तन न करके वाक्य में दैट लगाकर ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं। तो देखते हैं, द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, टू एंड टू, मेक फोर। द टीचर सेड टू एंड टू मेक फोर। तो ये हमारी क्या होती है, कहावत, दो और दो चार होते हैं। तो क्या बन जाएगा, द टीचर सेड दैट टू एंड टू मेक फोर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एक और कहावत होती है, द कैट इज अवे माइस विल प्ले। और भी कहावत होते कि बिल्ली चली गई तो चूहे खेलने लगे। ठीक है, और भी बहुत सी कहावतें हैं। तो इस तरीके से आज आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बेस फॉर्म क्या होता है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, और वाक्य को ज्यों का त्यों जोड़ दिया जाता है। तो आज के लिए इतना है। सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। ठीक है, और अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और अपनी प्रॉब्लम्स हमें बताएं। थैंक यू।